जारी है जमशेदपुर में चोरों का आतंक, पुलिसिया तंत्र विफल, हर दिन चोर मचा रहे तांडव, कदमा में नकदी व जेवरात सहित 20 लाख से अधिक की चोरी। जमशेदपुर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोर लगातार आए दिन किसी न किसी क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। वहीं पुलिस जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। ताजा घटना कदमा थाना क्षेत्र का है, जहां अनिल सुरपथ स्थित ग्रीन पार्क के एक घर से बीती रात चोरों ने पूरे मकान के कमरों के अलमारी में झाड़ू मार दी है। बताया जा रहा है कि गृह स्वामी गौतम डे बाहर गए हुए थे, घर पर केयर टेकर रहता था। बीती रात जब केयर टेकर सोने पहुंचा तो देखा घर के सभी कमरों का ताला टूटा हुआ है, जिसकी सूचना गृह स्वामी को देते हुए पुलिस को जानकारी दी। बताया जा रहा है कि चोरों ने करीब 20 लाख रुपए से अधिक के गहने व नकदी की चोरी कर ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। क्या घटना हुई? मैं यहाँ रात को सर डेली सोने आता था, लड्डू का कहीं बाहर जाते हैं तो मैं यहाँ रहता हूँ। तो मैं कल जब आया तो देखा दरवाजा खुला हुआ था, टूटा हुआ था, लॉक अलमारी वगैरह सब खुला हुआ था। आए तो पता चला कि फिर वो लड़का गौतम दा को खबर किया कि ऐसे ऐसे बात है। रात को कितने बजे की घटना है ये? मैं तो आया सर यहाँ पर 12:10 या 12:15 में। उस समय आपको पता चला? हाँ। कितने का करीब चोरी हुआ है यहाँ से? ये तो मुझे नहीं मालूम है सर कि कितने का चोरी हुआ है, क्योंकि वो गौतम आएंगे वही उसी को मालूम है क्या था क्या नहीं था। अंदाज पे भी कैसा लग रहा है कि आभूषण चोरी हुआ है? आभूषण का डब्बा तो पड़ा सर की कल तक, लग तो रहा है कि आभूषण चोरी हुआ है। घर वाले कब तक आएंगे? ये दिन में 12 बजे तक आ जाएंगे। ये घर किन का है? गौतम देकर। आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिन्हा।